नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने एक और लेके आया हूँ अच्छी सी वीडियो पॉलिटिकल साइंस की। क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताएं। ये क्वेश्चन प्लस वन क्लास और बीए फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर आता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का प्लस वन क्लास की, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताएं। और ये क्वेश्चन बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है और प्लस वन क्लास में भी। तो ध्यान से देखिएगा कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। इन सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य नीति के ये निर्देशक सिद्धांत शासन का मार्गदर्शन करने तथा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान में अंकित किए गए हैं। तो सबसे पहले राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है, नंबर एक, आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करना। नंबर दो, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य करने पर समान वेतन देना। नंबर तीन है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना। नंबर चार, ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा का प्रबंध करना। नंबर पाँच, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। नंबर छः है, कुटीर उद्योगों, कृषि तथा पशु पालने को प्रोत्साहन देना। नंबर सात है, हरिजनों, पिछड़ी जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए कानून बनाना। और नंबर आठ है, वृद्धों यानी बूढ़े लोगों के लिए तथा विकलांगों की सहायता करना। नंबर नाइन है, नशाबंदी को लागू करवाना। और आखिरी को जो पॉइंट है, नंबर टेन, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। तो ये हमारे ख़त्म होते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।